नमस्कार, मैं हूं सती भूटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता किशन ठाकुर, जो कि लोकसभा फरीदाबाद की टिकट की दावेदारी जता रहे हैं 2024 के लिए। टिकट मिलना ना मिलना भाग्य के हाथ में है, यूं कहिए तो टेढ़ी खीर है, क्योंकि मौजूदा सांसद कृष्णपाल गुर्जर लगातार दूसरी बार यहाँ से सांसद है। बहरहाल, फिर भी टिकट की जुगत में है। टिकट नहीं मिलती है तो भी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी करे हुए हैं, ठाने बैठे हैं लोकसभा चुनाव जरूरी लड़ना है। नवरात्रों का आज दूसरा दिन है और पलवल में आए हैं किशन ठाकुर। आइए जानते हैं कि अब तक की उनकी वर्किंग कैसे रही है, लोग उनको किस प्रकार से हाथों हाथ ले रहे हैं, लोग उन्हें पसंद किस प्रकार से कर रहे हैं। किशन जी, ठाकुर साहब, माता की चुनरी गले में है, माता का आशीर्वाद चुनाव में मिल रहा है या नहीं मिल रहा? भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप जो है आज देश की मीडिया, प्रदेश और देश की राजनीति में मीडिया बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरी बात यह है, आज माता रानी का दूसरा नौराता है और हमारे फरीदाबाद लोकसभा में 23 लाख वोट हैं और मैं पिछले 40 साल से शादी हो या कुल्ला हो मैं ज़रूर जाता हूं और आज भी। अब मैंने 8 महीने में 400 के करीब गांव कर लिए हैं और मुझे टोटल गांव में एक एक बार जाना पड़ा, तो मैं पिछले 40 साल से जा रहा हूं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी फरीदाबाद लोकसभा की जनता ये चाहती है, 9 की 9 विधानसभाओं की, कि भाई किशन ठाकुर चुनाव लड़े। जनता ये चाह रही है। अगर जनता चाह रही है तो मैं भी मैदान में हूँ और लोगों से संपर्क मेरा आज का नहीं है, पिछले 40 साल से है। और जो भी पार्टी, मैं वैसे तो बीजेपी में हूँ सदस्य, और जो पार्टी मुझे टिकट दे देगी, मैं पहले तो बीजेपी में मांग रहा हूँ टिकट, अगर ये दे देते ठीक है, नहीं जो दे देगी, नहीं तो फरीदाबाद की जनता ये कह रही है भाई तुम आप आज़ाद लड़ो चुनाव, आज़ाद लड़ो। बड़ा मोटा खर्चा है, 9 विधानसभा क्षेत्र है, खर्चा भी बहुत है, कैसे नैया पार उतरेगी, क्योंकि सामने जो है दो दो तीन तीन चार चार महारथी शामिल हैं। ऐसा है, पेट में से कोई महारथी नहीं पैदा होता, जब माता रानी की कृपा होती है और भगवान की और फरीदाबाद लोकसभा की जनता की। मैंने आपको मिसाल के तौर पर एक बात बताता हूँ, हमारे पलवल में राम रतन जी लड़े थे चुनाव, तो उन पर भी पैसा नहीं था, पहले विधायक बने कांग्रेस सरकार में, तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता। मैं मानता हूँ पैसा ज़रूरी है, मगर जनता अब के मन बना लिया है कि भाई उनको नया चेहरा चाहिए जो उनके बीच में आता जाता हो। ये नहीं आज चुनाव है लोग अब लोग निकलने शुरू हो गए। मैं तो पिछले 40 साल तक जाता हूँ, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, 20-20 कुल्ला एक एक दिन में करता हूँ और 10-10 5-5 गांवों में पहले भी 10-10 शादी, 20-20 शादी, पिछले 40 साल से ये मेरी 17वीं गाड़ी है सिर्फ शादी और कुल्लान में। मैं 40 साल लोगों के दिया लेके दे दिया है लोगों के लिए। अच्छा, उस समय नहीं लगता कि जब आप चुनाव लड़ने की तैयारी करते हो और हर बार चुनाव लड़ने से रह जाते हो, कैसा महसूस होता है? क्योंकि आप तो कह रहे हो कि 40 साल से मैं सक्रिय हूँ, हर बार आप चुनाव लड़ने की तैयारी करते, कभी विधानसभा का तो कभी लोकसभा का, और कभी कभी विधानसभा चेंज भी कर देते हो, कभी बल्लागढ़ तो कभी पलवल सोचते हो, कभी पृथला की सोचते हो, तो अब जो लोकसभा का चुनाव है, आप किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? ऐसा है, सबसे पहले तो मैं, आज जो है बेरोजगारी बहुत है फरीदाबाद लोकसभा में, तकरीबन 5 लाख के करीब हैं जो बेरोजगार हैं। और विकास की बात मैं बताता हूँ, 9 की 9 विधानसभाओं में, विधानसभाओं में पिछले 9-9.5 साल से कोई 9 साल से काम नहीं हो रहे, सिवाय फ्लाई ओवर हो गए, ये भी पहले पास हो ही पड़े हैं, कोई नया नई चीज़ नहीं है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज आया हो, कोई बहुत बड़ा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बेरोजगारी बहुत है। मेरा जो फोकस रहेगा, अगर भगवान ने या जनता भी भगवान का रूप है, अगर मेरे को MP बना दिया तो एक साल में प्राइवेट सेक्टर में
50,000 नौजवान जरूर लगाऊंगा। कैसे लगाओगे, एक सांसद के हाथ में नौकरी देना तो है नहीं। ऐसा है, अगर सांसद मजबूत हो और विधायक मजबूत हो, ये जनता का प्रतिनिधि होता है, तो हमारे फरीदाबाद लोकसभा में आज की डेट में कम से कम 1.5-2 लाख के करीब आदमी नौकरी कर रहे हैं नौजवान, तो ऐसे लगाऊंगा। हर फैक्ट्री मालिक को उनको पानी दो, बिजली दो और सड़क दो, उनसे कहूंगा भाई 3 चीज़ मैं दूंगा तुम्हें, और जो भी सरकार आएगी मैं सरकार के साथ रहूंगा। जनता तो ये चाहती है। जो सांसद है मौजूदा केंद्रीय मंत्री हैं, वो लगातार जनता दरबार लगा रहे हैं, जनसंवाद भी कर रहे हैं। उससे पहले CM मनोहर लाल जी ने किया था जनसंवाद कार्यक्रम। सांसद के खत्म होंगे तो उसके बाद विधायक लगेंगे अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में, तो वो तो लगातार पब्लिक के टच में है ना, वो काम भी कर रहे हैं। ऐसा है, मैं भी जितना मेरे पे बनता है, आप कहीं भी नौकरियों विधानसभा पलवल चले जाओ, फरीदाबाद चले जाओ, या तिगाम चले जाओ, या पिरथला चले जाओ, या NIT चले जाओ, या बड़कल चले जाओ, या हतीन चले जाओ, मैं भी हमेशा जो मुझे बनता है मैं पब्लिक के बीच में रहता हूँ। आप किसी से पूछ लो, आम आदमी से पूछो, भाई किशन ठाकुर मैंने प्राइवेट सेक्टर में आज भी मैं 10-5 लोकसभा के जरूर लगाता हूँ प्राइवेट फैक्ट्रियों में। लेकिन फिर भी जनसंवाद कार्यक्रम इनके बड़े सफल हो रहे हैं, लोगों को वो जो उनकी मौके की समस्याएं हैं, जो उनकी समस्याएं हैं मौके पर निपटा भी रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं, प्रशासन इनकी मानता नहीं है, आप जगह जगह कूड़े पड़े हैं, कहाँ हो रहे हैं, इनके घर में हो रहे होंगे जनसभा, बाहर तो हो नहीं रहे, कोई इनकी मानता नहीं है, MLA की कोई नहीं मानता, मंत्री की कोई नहीं मानता, विधायकन की कोई मानता ही नहीं है इनकी। कहाँ हो रहे हैं, कहाँ विकास हो रहा है, कहाँ जम, मुझे एक तो बात बताओ, ये अपने घर में ही कर लेते हैं, अपने बैंक अटोलों में कर लेते हैं, बाहर जनता तो नहीं करती। मैं जहाँ जाता हूँ, मेरे को आज पूरी 9 विधानसभा में पूरा मान सम्मान देते हैं लोग, बुजुर्ग हो चाहे नौजवान हो चाहे माता हो चाहे बहनें हो, मैं डेली जा रहा हूँ, मैं पिछले 40 साल से जा रहा हूँ। मेरे सामने आप इनको तोल दो, ये आजमा रखे हैं, ये जो है जिनके आप नाम ले रहे हो या नहीं ले रहे, ये आजमा रखे हैं पब्लिक ने, पब्लिक इनको बता देगी, तुम 4-4, 5-5 बार MLA रहे हो, आपने क्या किया है, मंत्री रहे हो, मंत्री हो, क्या किया है, ये जनता बताएगी, मैं थोड़ी बताऊंगा, जनता से पूछो ना आप। फरीदाबाद 9 विधानसभाएं लोकसभा में, आप जनता से पूछो जाके, आपको ज्यादा पता होती है हमसे भी ज्यादा। किशन ठाकुर कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे युवा काल में, माधव सिंधिया, राजेश पायलट जी, और तो और स्वर्गीय राजीव गांधी तक से आपकी नज़दीकियाँ काफ़ी थी, आप चाहते थे भुला भी सकते थे, क्या वजह रही है कि कांग्रेस से BJP में चले गए आप? वो सच्चाई ये है कि मेरी गलती है, मेरे को कांग्रेस नहीं छोड़नी चाहिए, मैं अपनी गलती मानता हूँ। दूसरा मेरी गलती ये है भुटानी साहब कि मेरे को 30 साल पहले चुनाव लड़ना चाहिए था, मेरी गलती हुई है, कभी मैं छाता चला गया। अब छाता विधानसभा में आप लगा लो 2.5 लाख वोट हैं, मैंने कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा, ये नहीं है कि मैं जाता नहीं हूँ, काम नहीं करता लोगों के, अगर मैं काम नहीं करता तो मैंने बड़ी बड़ी रैलियाँ करी हैं, फरीदाबाद में मैंने रैली करी, तिगाम विधानसभा में रैली करी है, अनाज मंडी में रैली कर रखी है, पलवल मैंने रैली कर रखी है, रोड शो कर रखा है, आप मुझे कहीं ले चलो, हतीन ले चलो। नहीं, छाता चले गए थे आप लक्ष्मी नारायण के सामने, हाँ क्या रहा अनुभव आपका? असल में सच्चाई है, मेरी टिकट काट दी, और नहीं तो वहाँ के लोगों से पूछो, मैंने पसीना दिवा दिए थे इनको सबको, चाहे लक्ष्मी नारायण जी थे या तेजपाल जी थे, ये समय की बात है भाई, टिकट नहीं मिली, नहीं तो इनको पता लग जाती, मैं तो इनके सामने लड़ने गया, दोनों दिग्गज नेता मैं कब मान रहा हूँ, मैं तो दोनों को दिग्गज नेता मानता हूँ, और हैं, जनता भी कहती है, मगर जनता ये कहती है नया चेहरा आना चाहिए, वो भी किसान आना चाहिए। मैंने बहुत मान जी के बहुत मेहनत कर ली है, 206 गांव में मैंने 4-4 बार 206 गांवों में दौरे करे हैं, कुछ बच्चे भी लगाए हैं प्राइवेट सेक्टर में जो फैक्ट्रियाँ थी, मैंने अगर मुझे मैं बनता विधायक तो मैं लोगों के काम करता, वहीं रहता, पैसे कमाने थोड़ी गया मैं। छाता में उत्तर प्रदेश में किसानों पर बेचारों पर कहाँ पैसे हैं, अगर मुझे मेरी गलती सिर्फ ये हुई है, मेरे को बल्लभगढ़ से या उल्ट फरीदाबाद चुनाव लड़ना चाहिए था MLA का 30 साल पहले। जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, Facebook पेज, Instagram और Twitter हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम आपसे अनुरोध इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोकल चैनल कैसे आगे बढ़ेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में
लोकल चैनल ही आपका हितकर है।